Every day is a new beginning. Take a deep breath, smile, and start again. So hey guys, my name is Sam Singh Thakur. Welcome to my YouTube channel, Rishikesh se Rishivam Vlogs. तो आज है थर्सडे, सब लोगों के भाई लोगों की होती है छुट्टी, तो आज हम निकले नैन नगर साइड घूमने। तो यहाँ से देखो पूरा ऋषिकेश नजर आता है, पूरा का पूरा A1 न्यू व्यू है, तो इसलिए हम रुके थे यहाँ पे, तो सोचा इंट्रो ले लूँ। तो चलते हैं नैन नगर की तरफ, देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी पहली राइड। आज की क्या मतलब, अपनी बाइक की पहली राइड हो सकता है, क्योंकि मोटर ब्लॉग तो बोल नहीं सकते ऐसे, अब क्या बोलेंगे, माइक नहीं है अभी, कुछ नहीं है, माउंटेड नहीं है हेलमेट, तो अभी तो बस पीछे किसी को बिठा रखा है, वो शूट कर रहा है, देन ऑडियो में बोले जा रहा हूँ, इसीलिए वॉइस भी थोड़ी कम आएगी। थोड़ा सा वेट, और अब देखते हैं जैसे नेक्स्ट बजट होगा उसके बाद लेंगे अपनी। GoPro लेना पड़ेगा एक, मेरे ख्याल से माइक लेना पड़ेगा एक, बड़े ऐसे हेलमेट देखेंगे, तो तब स्टार्ट करेंगे। अब पहले तो मुझे पता लगा कि यार थोड़ा अजीब सा लग रहा है, केरला में मोटो व्लॉगिंग बैन हो चुकी है। मोटो व्लॉगिंग बैन का मतलब उसमें बाइक सीज है, मेरे ख्याल से गाड़ी सीज या चलान, अच्छा मोटा हुआ है, तो अब देखते हैं कैसे होगा, कि अगर यही हुआ तो फिर फ़ायदा नहीं है लेके। GoPro लेंगे अपने ब्लॉगिंग के लिए, लेंगे कभी लिया तो भगवान की कृपा से, बट वैसे फ़ायदा नहीं है, वैसे है ये देखो सारे मज़े ले रहे हैं, वैसे फ़ायदा तभी है जब अगर मोटर ब्लॉगिंग स्टार्ट हो तो। अभी बजट लग गया इसमें, नई जो बाइक लिया उसमें लग गया खर्चा, उसको बुलेट ली, उसको बेच के, मतलब बुलेट बेच के। सो ये है अपना नैन नगर शहर, जो एक पहाड़ पर पूरा बस रखा है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा मतलब। तो इस वक्त हम आसमान की ऊंचाइयों पे, कसम से वेदर इतना मस्त हो रहा है, ऐसा लग रहा है हम बादलों में, कोई बादलों में शहर बसा हुआ है। नैन नगर बहुत प्यारी चीज़ है, ऐसा लगता है कि बादलों में बसा हुआ है, इतनी सुंदर जगह है ना पहाड़ों पर रहने का। यहाँ के लोगों का भी एक अलग मज़ा होगा, पहाड़ पर रह रहे, पहाड़ जैसी लाइफ, एकदम ठंड, मतलब ऐसा हो गया कि सर्दियाँ लग रही है ऐसे में। मैं तो हाफ में भी आ गया, शायद बुखार ना चढ़ जाए, फीवर ना हो जाए, जुकाम वगैरह नहीं होता। पहाड़ देखो आप सामने, देखो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, धुंध सा वेदर, कितना प्यारा लग रहा ये देखो। ऐसा मौसम और कहीं नहीं होगा जो उत्तराखंड में, बहुत मरते बचे। उसके बाद अब देखते हैं चिल आउट जा रहे हैं, एक फेमस रेस्टोरेंट है वहाँ चलते हैं, फिर खाएंगे, कुछ भूख लग रही थी बहुत, सुबह से निकले हुए थे। मैं तो वेदर देख के मज़ा आ रहा, तुम आसमान की तरफ देखो, पहाड़ की तरफ देखो, कितना मज़ा आ रहा, कितना प्यारा व्यू है, बहुत ज़बरदस्त मस्त है, बहुत प्यारी जगह है यार ये, मतलब शांति मिल जाती है यहाँ के। दो बार आ गया, दो से पहले भी यहीं आया था, दो क्या बोलते हैं अमन और के साथ, अब चलेंगे तो आने वाला है शायद, मेरे ख्याल से चिल आउट रेस्टोरेंट, हाँ वो आ गया सामने, रेड बिल्डिंग दिखाई दे रही है उसी की। चलो फिर मिलते हैं फिर वहीं पर, यहाँ से व्यू देखना बहुत पूरा नैन नगर नजर आएगा। चलो चलते हैं, ये लगाओ। सो ये है चिल आउट रेस्टोरेंट कैफे, नैन नगर का बहुत फेमस रेस्टोरेंट है। तो ये है अपना सोना, जिसका निकनेम है पप्पू, पप्पू ये हमने लिए एक छोटे छोटे बच्चों के लिए बांटने के लिए, कुछ चीज़ अभी जाते हुए रास्ते में कोई छोटे छोटे बच्चे दिखेंगे क्योंकि, तो उन्हें देंगे हम,
तो यहाँ से नजर आता है पूरा नरेंद्र नगर, देखो छोटा सा शहर है पहाड़ पे बसा हुआ। बादल मिल आया आज सुबह, सुना तो आपको कैसा लग रहा है बादलों में आके? बादल मिल आया आप देखते हो, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। हो गए थे अभी सर, एक्स्ट्रा ले लो लैंड करा दो, अभी हम हो गए थे। तेरी शंकर जी पैक बना रहे हैं, माउंटेन ड्यू का पैक नहीं वोडका है। हां जाग उठ गए ओए, सच्ची में स्प्राइट है यार, मजा कर रहे हैं। आपने झाग उठा दिए हैं, डरो नहीं, ले सोना भैया। तू गाली दे, गाली दे, देखूंगा व्लॉग में डरेगी। ब्लर क्या मारो, ब्लर क्या मारो, ब्लर फेंक के मारो, कौन सा फाड़ अंशुल कहाँ क्या है, कहाँ जा रहा था, कहाँ के मंदिर आ रखे हैं कुंजापुरी। क्या करो, इसकी मम्मी कहेगी मंदिर है, मंदिर है तो वो है मंदिर वहाँ पे, शंकर कहाँ पे वो देखिए कुंजापुरी का मंदिर शंकर जी है, नीलगढ़ आगे मंदिर। हाँ शंकर बाबू मंगाइए, आप जो मंगाए नॉर्मल मंगाइए, जो खाने के लिए मंगाइए। क्या खाएंगे आप बताइए, हम वो खाएंगे। अबे वेटर थोड़ी है जो क्या खाएगा, ये कॉकटेल ऑर्डर करा जाएगा ना, बता सोना क्या खाएगा, हम वो खाएंगे। तेरे चाय मंगा देता हूँ, तू भी चाय पी ले, जब तू दूध पिया तेरे तेरी मम्मी वाले से दूध पिलाए, दूध पिए कौन से, हां तू छोटा बच्चा ना, तेरी मम्मी वाले से फोन किया दूध पिलाए, दूध पी के आता है रोज। हां कौन सा पीगा, अमूल दूध, अमूल दूध कौन सा वाला, फुल क्रीम वाला, चल दिखा अच्छा मंगाते हैं। क्या मंगाए बता, अरे वो मंगाओ जो देख सावन चल रहे भी वैसे मंगाएंगे, ठीक है। पनीर देख एक मंगाते हैं, कढ़ाई पनीर, हाँ ठीक है अच्छा, दो मंगाए जिसमें ग्रेवी वगैरह, ग्रेवी वगैरह में कढ़ाई पनीर, हाँ हाँ दो, एक कढ़ाई पनीर मंगाते हैं फिलहाल, हाँ ठीक है। रोटी नॉर्मल मंगाइए, घी का मक्खन वाली मस्त मंगाइए, बटर रोटी मंगाइए, बटर खाएगा, तंदूरी नान, तंदूरी तंदूरी ठीक है, चल ठीक है। क्या पी रहा तू, क्या पी रहा, हम पी रहे हैं सनी लियोन की कोल्ड ड्रिंक। तो वी फिनिश आवर लंच, चलते हैं अब, देखो चिकन खाना था, चिकन खा रहा है इसने, पनीर खाना था, पनीर खाना है, सावन चल रहा है एक्चुअली। सो गया था अभी, सो वी डन अवर लंच, अब हुआ है मौसम बढ़िया हो गया, सोने मौसम बढ़िया हो गया, क्या सोना व्यू है, कैमरे की फ़ोन की बैटरी लो हो गई थी तो चार्जिंग लगाना पड़ा, पावर बैंक लेके आ रखा था, ये देंगे अभी बीच में रास्ते में जिस बंदों को, जैसे कोई मिल गया बच्चा बच्चा तो उससे देंगे, तो चलते हैं। तो हम पहुंचे ऋषिकेश, हम चाय पीने को जा ही रहे थे, मतलब उतरे ही थे चाय सुट्टा पर अपना, तो वहाँ पे याद आया कि हम बैग भूल गए, तो हम दोबारा निकल रहे हैं, तो अब भगाऊंगा गाड़ी तो इसमें कोई आवाज़ वॉइस वगैरह तो हो नहीं पाएगी, तो इस चक्कर में हवा बहुत तेज साउंड क्रिएट करेगी, तो बाकी रास्ता आप देख चुके हो इसलिए दोबारा दिखा नहीं रहा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इस चक्कर में यहीं पर चलते हैं, वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। थैंक यू फॉर, पहले राइडिंग थी तो जल्दी ले लूँगा सामान वगैरह, GoPro माइक वगैरह जल्दी लूँगा। हाँ जी, तो उसके बाद हम सीधा पहुँचे घर, मेरे को लग गया जुकाम, क्योंकि मैं हाफ टी शर्ट में चले गया था, तो आने के बाद ठंडा लग गया मुझे, और फिर मतलब एक तो दोबारा जाना पड़ा, उस स्पीड में गए मैंने, आधे घंटे में हमने आना जाना कर दिया था नरेंद्र नगर से, यहाँ से 20-25 किलोमीटर होगा, तो स्पीड में से लेकर, क्योंकि बैग में ज़्यादा इम्पोर्टेंट सामान था, कुछ पेपर्स वगैरह भी थे, तो इसी चक्कर में मैंने भगाई गाड़ी, दोनों ने भगाई शंकर मैंने, और फिर स्पीड में जाने के बाद हमें बैग मिल गया, सामान वही था एज इट इज़ वही पड़ा था, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और उसके जो वीडियो को पहली बार देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, और जिन जिन ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा वो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम फॉलोवर नहीं बढ़ रहे हैं, नया अकाउंट बनाया जब से, आईडी बंद हुई थी, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।